हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिजीजेस ऑफ मेज, यानी कि आज हम मक्का की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। हम इम्पॉर्टेंट जितनी भी डिजीज हैं, जो जो बीमारियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उसके मेजर सिम्टम्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सिम्टम, अगर कोई भी उसका लक्षण प्लांट के किसी पार्ट के ऊपर आ रहा है तो कौन से पार्ट के ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्लांट है उसमें कौन कौन से पार्ट है। तो चलिए एक नज़र दे लेते हैं। सबसे पहले जो आपका प्लांट है, ये मेज़ का प्लांट है, मक्का का प्लांट है। सबसे नीचे है रूट सिस्टम, उसके बाद में है ईयर्स। तो ये जो आपके ईयर्स हैं, ये क्या है, आपके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस हैं। और जो ऊपर आपके टेसल्स हैं, ये क्या है, आपके मेल इन्फ्लोरेसेंस है। उसके बाद में लीफ शीट्स हैं, साथ में आपकी सिल्किंग स्टेज है जिसमें आपको सिल्क लाइक फाइबर्स देखने को मिलते हैं, है ना। नोड्स हैं और स्पाइकलेट्स हैं और लीफ ब्लेड है, लीफ शीथ है। तो ये जो पूरा है, ये किसका डायग्राम है, मेज का। ये फोटो दिखाया गया है जिसमें उसके प्लांट पार्ट्स के बारे में बताया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं डिजीज के साथ में। तो ये जो डिजीज की लिस्ट है, लिस्ट में दिया गया है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट, चारकोल रॉट, कॉमन रस्ट, डाउनी मिल्ड्यो के टाइप्स दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से डिजीज है मेज में और क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। सबसे पहले है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट और दूसरा है चारकोल रॉट। तो इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चार चीजें बता दूंगी, उसके बाद में हम इसके जो पैथोजेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके पास जो स्टॉक रॉट है, मतलब कि जो इसका तना सड़ेगा, वो दो टाइप का है। एक है प्री फ्लावरिंग और एक है पोस्ट फ्लावरिंग। प्री फ्लावरिंग का क्या मतलब होता है कि फ्लावरिंग होने से पहले, फूल आने से पहले। पोस्ट फ्लावरिंग का क्या मतलब है कि फूल आने के बाद। तो जो प्री फ्लावरिंग है, यानी कि फूल आने से पहले जो स्टॉक रॉटिंग है, जो तना सड़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है, पीथियम की वजह से होता है। और जो पोस्ट फ्लावरिंग है उसमें दो वजह से हो सकता है, या तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या फिर फंगस की वजह से हो सकता है। तो ये जो आपका बैक्टीरियल स्टॉक रॉट है, ये किसकी वजह से होता है, अर्वीनिया स्पीशीज की वजह से होता है, अर्वीनिया डिसॉल्वेंट्स की वजह से होता है, अर्वीनिया कैरोटोवोरा की वजह से होता है। जो चारकोल रॉट है वो फंगस की वजह से होता है, मैक्रोफॉमिना फेजियोलिना। नेक्स्ट है कॉमन रस्ट। तो रस्ट किसकी वजह से होता है, पक्सीनिया सॉर्गाय की वजह से होता है। अब पढ़ेंगे हम डाउनी मिल्ड्यूज के बारे में। तो जो आपका मेज है, मेज में सात तरह के डाउनी मिल्ड्यू आते हैं, है ना, पर उसमें से हम जो चार मेजर डाउनी मिल्ड्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका डाउनी मिल्ड्यू है, आपको पता है किसको मृदा रोमिल आसिता भी बोलते हैं। तो जो पहला डाउनी मिल्ड्यू है वो है ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, किसकी वजह से होता है, स्क्लेरोप्थोरा रेसिएई की वजह से होता है। दूसरा है क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू, किसकी वजह से होता है, स्क्लेरोप्थोरा की वजह से होगा, पर स्पीशीज कौन सी है, मैक्रोस्पोरा। नेक्स्ट है शुगरकेन डाउनी मिल्ड्यू। तो शुगरकेन डाउनी मिल्ड्यू किसकी वजह से होता है, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेरी की वजह से होता है। उसके बाद में है नॉर्दर्न कॉर्न लीफ स्पॉट। तो जो नॉर्दर्न कॉर्न लीफ स्पॉट है, ये बायपोलैरिस जिकोला की वजह से होता है। फिर है कॉमन स्मट। कॉमन स्मट को बॉयल स्मट भी बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, अस्टिरागो। अब ये मेज है तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, मेडिस। तो अस्टिरागो मेडिस की वजह से कॉमन स्मट होता है। उसके बाद में है सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट। सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट बायपोलैरिस मेडिस की वजह से होता है, या फिर हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस की वजह से होता है। अब ये जो सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है, इसकी वजह से एक एपिडेमिक आया था, उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या चैट सेक्शन में बताएंगे कि जो सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है उसकी वजह से कौन सा एपिडेमिक आया था, कैसा एपिडेमिक आया था, कहाँ आया था, उसके बाद में हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लास्ट में।
उसके बाद में नद्रन कॉर्न लीफ ब्लाइट, तो उसके लिए पैथोजन है हेल्मिंथोस्पोरियम टर्सिकम, और उसका एक और नाम भी है एक्सेरोहाइलम टर्सिकम। तो ये हमने देखे मेज की अभी लिस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिजीज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट ऑफ मेज। तो आपको पता है ये क्या है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। कौन सा बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा, अर्विनिया कैरोटोवोरा या फिर अर्विनिया डिसॉल्वेंस, उसकी वजह से ये हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है देखो, सबसे पहले लिखा है स्टॉक रॉट, तो सबसे पहले मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में इसके सिम्टम बताऊंगी, उसके बाद में हम यहां से पढ़ के देखेंगे कि हर लाइन का क्या मतलब है। जब स्टॉक रॉट लिखा है तो स्टॉक रॉट का क्या मतलब है कि तने वाला पोर्शन सड़ेगा। तो क्या है ये, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है पहले तो, सबसे पहले तो जब बैक्टीरिया इसमें एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, यहां पे डिसइंटीग्रेशन कर देगा टिश्यूज की, मतलब कि टिश्यूज को गला देगा और सड़ा देगा, और क्या करेगा, सॉफ्ट रॉट कॉज करेगा, यहां पे इस पोर्शन को बिल्कुल गला सड़ा देगा। और जब आप यहां पे जाओगे ऐसे फील्ड में, वहां पे आपको गंदी स्मेल आएगी, है ना, तो सड़ी हुई स्मेल आएगी, इस बैक्टीरिया की वजह से होगी। अब देखते हैं क्या होता है जब बैक्टीरिया ने इसके ऊपर इंफेक्शन किया, तो क्या करता है बैक्टीरिया, जब इसको सलाह गड़ा देगा तो जो प्लांट है वो कमजोर हो जाएगा। तो जैसे ही तेज हवाएं चलेंगी या फिर नॉर्मल हवा भी चलेगी, अगर प्लांट वीक है तो ये वाला पोर्शन टॉपल डाउन हो जाएगा, यानी कि नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए इसको स्टॉक रॉट बोलते हैं कि जो आपका तने वाला पोर्शन है वो उसमें क्या हो जाएगा, ये रॉटिंग हो जाएगी। अब देखो अगर बैक्टीरिया निचले पोर्शन पे अटैक कर रहा है ना, तो क्या होगा, जब इसने इस पोर्शन को सड़ा गला दिया तो जो आपके वाटर और मिनरल्स हैं वो भी ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे ड्राइंग हो जाएगी, सूखी हो जाएंगी लीव और विल्ट कर जाएंगी। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं जो आपका स्टॉक रॉट है बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां पे क्या दिया गया है, द बेसल इंटरनोड्स डेवलप सॉफ्ट रॉट एंड गिव अ वॉटर सोक्ड अपियरेंस, अ माइल्ड स्वीट फर्मेंटिंग ऑडर अकंपनीज सच रॉटिंग, लीव्स समटाइम्स शो साइंस ऑफ विल्टिंग एंड अफेक्टेड प्लांट्स टॉपल डाउन इन फ्यू डेज। कि जो बेसल इंटरनोड है, जो नीचे वाला पोर्शन है, वहां पे सॉफ्ट रॉटिंग हो जाएगी और वहां पे आपको क्या होगा, स्वीट सी सड़ी हुई जैसी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, और कुछ टाइम में लीव्स भी विल्टिंग के सिम्टम शो करना शुरू कर देंगी, और जो आपके अफेक्टेड प्लांट्स हैं वो टॉपल डाउन कर जाएंगे, मतलब कि नीचे गिर जाएंगे कुछ दिनों में। अब लिखा है ईयर्स एंड शैंक आल्सो शो रॉट। ईयर्स हमने देख लिया, ईयर्स कौन सा पोर्शन था, अब ये शैंक कौन सा पोर्शन है, ईयर्स के नीचे वाला पोर्शन है। जैसे आपने देखा है कि जो मक्की होती है ना, यहाँ पे तो दाने दाने होते हैं पर नीचे उसमें इस तरह से नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या है, शैंक है। आगे दिया है दे फेल टू डेवलप फर्दर एंड द ईयर्स हैंग डाउन सिंपली फ्रॉम द प्लांट, कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी और जो आपके जो ईयर्स हैं वो नीचे की तरफ को लटक जाएंगे। तो जो आपका शैंक है बेसिकली क्या है, ईयर से नीचे वाला पोर्शन है, जो लेटरल ब्रांचेस वाला पोर्शन है और ईयर से नीचे वाला पोर्शन है। अब है कि बोरर भी इसके लिए क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है डिजीज के लिए। कैसे, अब देखो जो बोरर है वो क्या करेगा, आपके स्टेम में बोर्स करेगा, तो क्या होगा, वहां पे आपके बेसिकली वुंड्स हो रहे हैं या फिर होल्स हो रहे हैं, मतलब कि छेद हो रहे हैं, तो वहां से क्या है, बैक्टीरिया को एंटर करने के लिए जगह मिल रही है। तो इसीलिए जो आपका बोरर है वो क्या करेगा, इसके लिए मेन रोल क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, उसकी वजह से बैक्टीरिया क्या कर रहा है, आपके स्टेम पोर्शन में एंटर कर रहा है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है, सॉइल बॉर्न है, बैक्टीरिया आपका सॉइल बॉर्न है और इट सर्वाइव सेप्रोफिटिकली ऑन डेब्री ऑफ इंफेक्टेड मटीरियल एंड सर्व्स एज प्राइमरी इनोकुलम इन द नेक्स्ट सीजन। सेप्रोफिटिकली का क्या मतलब है कि जो आपके डेड पार्ट्स हैं उनके ऊपर ये क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, और फिर जब अगला सीजन आएगा तो ये क्या करेगा, वहां पे डिजीज कॉज करेगा। नेक्स्ट है चारकोल रॉट। अब हमने ये जो पढ़ा
बैक्टीरियल स्टॉक रॉट, इसकी पहले मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होगी। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जब भी आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वाटर मैनेजमेंट की इरिगेशन वगैरह जो पानी है उसकी मैनेजमेंट करनी है, ना ज्यादा क्वांटिटी में उसको पानी नहीं देना है, फ्लडिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज कर सकते हैं। तो जो आपका बैक्टीरियल स्टॉक रॉट है उसके लिए जो रेजिस्टेंट वेराइटी है वो है गंगा सफेद 2। तो ये जो वेराइटी है ये आपकी बैक्टीरियल स्टॉक रॉट के लिए रेजिस्टेंट वेराइटी है। चलिए अब शुरू करते हैं चारकोल रॉट। तो जैसा मैंने बोला कि ये भी क्या है, बेसिकली स्टॉक रॉट ही है, पर ये किसकी वजह से हो रहा है, फंगस की वजह से हो रहा है। अब इसको चारकोल क्यों बोला गया, चारकोल वर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि इसका जो मेन सिम्टम है वो क्या है, चार्ड अपीयरेंस। अब ये चार्ड अपीयरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगी जब हम सिम्टम डिस्कस करेंगे कि चार्ड अपीयरेंस क्या होता है। तो चारकोल रॉट में भी क्या है कि आपका फंगस क्या कर रहा है, जो आपका स्टेम पोर्शन है उसको अफेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है देखते हैं कि ये जो आपका पोर्शन है प्लांट का, इसके ऊपर क्या करेगा, फंगस अटैक करेगा बेसल इंटरनोड के ऊपर। तो शुरू में आपको बाहर से ब्लैक कलर की स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी, उसके बाद में जब आप इस पोर्शन को काटोगे तो आपको उसके अंदर स्क्रोशिया देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो ये जो आपके स्क्रोशिया है आपको पता है क्या है, डोरमेंट मास है फंगस के माइसिलियम का, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको सर्वाइवल में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो जब आप इसको करोगे तो आपको इस तरह से, जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो इस तरह से आपको ब्लैक कलर की ये बॉडीज देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये इतनी सारी प्रेजेंट होंगी कि ये चारकोल की तरह काली अपीयरेंस देंगी, वहां से वर्ड लिया गया है चार्ड अपीयरेंस, और वहीं से इसका नाम क्या रख गया, चारकोल रॉट इसका नाम रख दिया गया। तो ये है आपका चारकोल रॉट। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स कौन कौन से हैं। द अफेक्टेड प्लांट एग्जिबिट विल्टिंग सिम्टम्स। अब विल्टिंग सिम्टम्स क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है फंगस क्या कर रहा है, मैंने बोला कि सबसे पहले जो आपका बेसल नोड्स है उनके ऊपर अटैक कर रहा है, रूट के थ्रू इंफेक्शन कर रहा है, और उसके बाद में जो आपका बेसल इंटरनोड है उनके ऊपर अटैक कर रहा है। जब यहाँ पे बहुत सारे स्क्रोशिया इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जो आपके मिनरल और जो भी वाटर है उनको ट्रांसलोकेट नहीं होने देंगे, उसको क्या करेंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचने देंगे। तो क्या होगा, लीव्स को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो विल्ट कर जाएंगी, जब उन तक पानी प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो वो क्या कर जाएंगी, मुरझा जाएंगी, विल्ट कर जाएंगी। तो ये इसका मतलब है। द स्टॉक ऑफ द इंफेक्टेड प्लांट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्रेश स्ट्रीक की, जो ग्रे कलर की स्ट्रीक है वो आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। द पिथ बिकम्स श्रेडेड। श्रेडेड का क्या मतलब है कि वो टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, जो आपका पिथ है वो डिकम्पोज, वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, टूट जाएगा। एंड ग्रेश ब्लैक माइन्यूट स्क्रोशिया डेवलप ऑन द वेस्कुलर बंडल्स, कि जो आपके जाइलम फ्लोएम है, जो आपके वेस्कुलर बंडल्स है वहां पे आपको स्क्रोशिया देखने को मिलेंगे। Shredding of the interior of the stalk often causes stalks to break in the region of the crown, कि जो crown portion है वो भी वहां पे टूट जाएगा। The crown region of the infected plant becomes dark in color, और काला पड़ जाएगा। Shredding of the root bark and disintegration of root system are the common feature, कि जो root bark है उसकी shredding, उसका टूट जाना और disintegration होना, मतलब कि root system का बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाना, टूट जाना, वो इसका कॉमन फीचर है, वो इसका कॉमन सिम्टम है। तो ये चारकोल रॉट है। अब हमने बात की कि ये क्या है, सॉइल बॉर्न फंगस है, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग क्रॉप रोटेशंस। यहां पे क्यों बोला गया है कि लॉन्ग क्रॉप रोटेशन, अब आपको पता है क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है कि जो डिफरेंट फैमिली है उसकी क्रॉप हम लगाएंगे, जो आपका पीस ऑफ लैंड है, जो भी आपका एरिया है वहां पे अलग फैमिली की हम क्रॉप लगाएंगे। पर लॉन्ग क्रॉप रोटेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि जो इसके स्क्रोशिया हैं वो 30 साल तक भी सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए ताकि उसको होस्ट ना मिले, इसलिए लॉन्ग क्रॉप रोटेशन यहाँ पे वर्ड को यूज किया गया है। उसके अलावा जो इरिगेशन है,
जैसे आपका ईयर हेड एमर्ज करेगा उस टाइम पे आपने इरिगेशन प्रॉपर रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है कि जो पानी है वो आपने जैसे ईयर हेड निकलने लगेंगे उस टाइम पे पानी बिल्कुल सही रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है इसकी, एक तो लॉन्ग क्रॉप रोटेशन और दूसरी इरिगेशन। इसके अलावा हम सीड को कार्बेंडाजिम के साथ में ट्रीट कर सकते हैं, कैप्टान के साथ में ट्रीट कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन कौन सी हैं? SN65, SWS8029, दीवा, जेनी, ये सारी क्या हैं आपकी रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। तो आपने वाटर स्ट्रेस नहीं रखना है, पानी का तनाव, पानी की कमी होने नहीं देनी है। जैसे ईयर हेड इमर्ज करेंगे आपने प्रॉपर पानी उसके लिए देना है, तो ये इसकी मैनेजमेंट है। तो हमने स्टॉक रॉट्स पढ़े अभी, एक तो हमने पढ़ा जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, दूसरा हमने पढ़ा जो फंगस की वजह से हो रहा है, जिसका हमने चारकोल रॉट जिसका नाम दे दिया है, पर बेसिकली है क्या वो स्टॉक रॉट ही है। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू। अब जो डाउनी मिल्ड्यू है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है मेज की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है। मृदु रोमिल आसिता भी हम इसको बोल देते हैं, मृदु रोमिल आसिता। अब इसके अगर मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में बताऊं कि क्या सिम्टम्स हैं तो क्या होगा। अब आपको पता है जो मेज है, मेज की जो लीव्स हैं, जो मक्का के पत्ते हैं, ये मोनोकॉट्स हैं, है ना। तो इसमें जो आपकी वीन्स हैं, जो वेनेशन है, वो पैरेलल होती है, इस तरह से होती है। तो इसमें जो आपके ऊपर की तरफ को क्लोरोटिक एरियाज आएंगे, जो आपके ऊपर की तरफ को येलोइंग होगी, वो भी आपके ऐसे स्ट्रीक्स की फॉर्म में होगी। तो एक तो स्ट्रीकिंग आ जाएगी इसमें, क्लोरोटिक स्ट्रीक्स बन जाएंगी। दूसरा क्या है, पत्ते का जो निचला हिस्सा है उस पे आपको व्हाइट कलर का माइसीलियम देखने को मिलेगा, जिसमें स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स होंगे। तो जो आपका पत्ते का एरिया है ऊपर वाला, वहां पे क्लोरोटिक स्ट्रीक्स देखने को मिलती है, और नीचे वाले एरिया पे आपको व्हाइट कलर की माइसीलियम की ग्रोथ देखने को मिलती है। चलिए अब यहां से इसके सिम्टम पढ़ लेते हैं। The most characteristic symptom is the development of chlorotic streaks on the leaves. जैसा कि मैंने बताया, plants exhibit a stunted and bushy appearance. कि plants कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और bushy appearance देंगे. Due to shortening of internodes. कि internodes की length भी छोटी हो जाएगी. Downy growth also occurs on the bracts of the green unopened male flowers in the tassel. ये चीज क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो डाउनी मिल्ड्यू है, जो आपके टेसल पोर्शन है, जब वो अनओपन्ड है, खुला नहीं है, उस पे भी इसकी ग्रोथ आती है। तो क्या होता है, स्मॉल टू लार्ज लीव्स आर नोटिस्ड इन द टेसल। जो आपका एक पोर्शन है उसमें बड़ी छोटी आपको लीव्स देखने को मिलेंगी, जो आपका मेल पोर्शन है। प्रोलिफरेशन ऑफ ऑक्सिलरी बड्स, प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी ग्रोथ ऑन द स्टॉक ऑफ टेसल एंड द कॉब्स इज कॉमन। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेजी टॉप बोल देते हैं। जब आपके टेसल पोर्शन के ऊपर डाउनी मिल्ड्यू आएगा तो छोटे से बड़े पत्ते आपको देखने को मिलेंगे, जो टेसल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि डाउनी मिल्ड्यू वैसे तो 7 प्रकार के हैं, पर हम उनमें से जो 4 कॉमन हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके टाइप्स पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या है डाउनी मिल्ड्यू के लिए, एक तो डीप प्लोइंग करेंगे, है ना, क्रॉप रोटेशन विद पल्सिस, की पल्सिस के साथ में क्रॉप रोटेशन करेंगे। जो आपके इंफेक्टेड पार्ट्स हैं या प्लांट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, रोग कर देंगे, रोग आउट कर देंगे। सीड्स का ट्रीटमेंट करेंगे मेटल एक्सिल के साथ, और क्रॉप्स में स्प्रे किसके साथ करेंगे, मेटल एक्सिल के साथ और मैंकोजेब के साथ में। तो ये जो मेटल एक्सिल है और मैंकोजेब है, इसके कॉम्बिनेशन को एक चीज हम बोलते हैं, क्या है इसका कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, जो मेटल एक्सिल है और मैंगो सेप है उसके कॉम्बिनेशन का क्या नाम है, आप मुझे बताएंगे फिर मैं आपको बताती हूं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि CO1, COH1 एंड COH2। तो ये जो CO1 है, COH1 है और COH2 है, ये आपकी रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं डाउनी मिल्ड्यू के लिए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, रोगिंग कर सकते हैं। अब ये जो आपका कॉम्बिनेशन है मेटल एक्सिल का और मैंकोजेब का, इसको हम क्या बोल देते हैं। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था तो किसी ने बॉर्डेक्स लिखा है, सॉरी ये गलत है, योगेश जी आपने गलत आंसर दिया है।
तो ये जो आपका मेडल एक्सिल है और ये जो आपका मैंकोजेब है, इसको हम क्या बोल देते हैं? रिडोमिल बोल देते हैं। तो डाउनी वीडियो हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के डाउनी मिल्ड्यूज। तो ये जो आपके डाउनी मिल्ड्यू हैं, एक है सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू। सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पैथोजन है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गम, ये जो पैथोजन है सबसे पहले ये सॉर्गम में मिला था कि ये डाउनी मिल्ड्यू सॉर्गम में कॉज कर रहा है, पर ये मेंस में भी डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है, तो इसका नाम रख दिया है सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू। इसमें भी क्या है? क्लोरोटिक स्ट्रीक्स आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा है शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू। तो ये जो आपका शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेरी, ये आपका सबसे पहले शुगर केन में डिजीज कॉज करता हुआ पाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू। इसमें भी लीफ में स्ट्रीक्स बनेगी, श्रेडिंग होगी और माइसीलियम ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू। अब इसमें ब्राउन कलर की स्ट्राइप्स देखने को मिल रही हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू। किसकी वजह से होता है? स्क्लेरोप्थोरा रेसियाई की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू। अब ये डाउनी मिल्ड्यू था जिसकी हमने बात की थी, किसकी वजह से होता है? स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा की वजह से होता है। मैंने आपको बताया अब टेसल्स के टाइम में क्या होगा, एक तो या तो बड़े टेसल्स बनेंगे या तो छोटे टेसल्स बनेंगे, है ना, तो इस तरह से बंच सी अजीब सी अपीयरेंस देगा जो ऊपर टॉप की तरफ को, तो क्रेजी टॉप इसका नाम रख दिया गया, इसीलिए क्या है आपका? क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू है। तो ये चार टाइप की डाउनी मिल्ड्यूज है जो हमने डिस्कस किए अभी। नेक्स्ट है रस्ट। रस्ट किसकी वजह से होता है? पक्सिनिया सॉर्गाई की वजह से होता है। तो रस्ट में आपको पता है क्या देखने को मिलते हैं? आपको जो आपके पश्यूल्स हैं वो आपको रेडिश ब्राउन कलर के देखने को मिलेंगे, ओवल, मोस्टली ये ओवल होंगे, है ना, सर्कुलर से ओवल होंगे और इलोंगेटेड होंगे, स्कैटर्ड होंगे, मतलब कि फैले होंगे। जैसे प्लांट आपका मैच्योर होगा तो वैसे ही आपके एंड ऑफ द सीजन में क्या बन जाएंगे? टीलियोस्पोर्स बनेंगे, है ना, यूरिडोस्पोर्स के बाद में एंड ऑफ द सीजन में टीलियोस्पोर्स बन जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। मैनेजमेंट क्या है? एक तो ऑल्टरनेस्ट जो भी होस्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं, बाकी हमने जो कल रस्ट की मैनेजमेंट्स पढ़ी थी वो भी हैं। आप मैंकोजेब को यूज कर सकते हो या फिर ट्राइएजोल्स को भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोज़ेक। तो जो मोज़ेक है वो किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे? मेज मोज़ेक पोटी वायरस की वजह से हो रहा है। अब पोटी वायरस वर्ड कहाँ से लिया गया है? पोटैटो वायरस वाई से लिया गया है। तो जो आपका पोटैटो वायरस वाई है वहां से वर्ड लिया गया है जो पोटी वायरस है, उसके टाइप के वायरसेस हैं ये। तो मेज मोज़ेक पोटी वायरस है ये, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं? जैसा कि आपको पता है कि मोज़ेक के सिम्टम कैसे होते हैं, तो सिम्टम्स अपियर एज क्लोरोटिक स्पॉट्स, मतलब कि येलो आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे जो बाद में स्ट्राइप्स बन जाएंगी, और उसके बाद में क्या होगा, जो आपकी लीफ शीट्स हैं स्टॉक्स हैं वहां पे भी आपको ये स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी। और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर। लीफ हॉपर का क्या नाम है? पेरिग्रिमस मेडिस। अब यहाँ पे मेज है तो इसीलिए मेडिस आ गया, तो इसकी ट्रांसमिशन पेरिग्रिमस मेडिस की वजह से होती है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अब ब्राउन स्पॉट। तो मेज में जो ब्राउन स्पॉट है वो किसकी वजह से होता है? फाइजोडर्मा मेडिस की वजह से होता है। तो वाटर सोक्ड आपको लीजंस देखने में मिलेंगे और वो ओवल होंगे। क्यों वो ओवल से होंगे, गोल क्यों नहीं होंगे, एलिप्टिकल क्यों होंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने बताया मेज क्या है? मोनोकॉट है, पैरेलल इसमें आपको वेनेशंस देखने को मिलती हैं। तो जो स्पॉट्स हैं वो भी आपके इसी तरह से एलिप्टिकल से बनेंगे, सर्कुलर नहीं बन पाते हैं। तो इसमें क्या बनते हैं? ओवल स्पॉट्स बनते हैं ब्राउन कलर के, और पहले लाइट ब्राउन होंगे बाद में वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे। नेक्स्ट है लीफ ब्लाइट। तो लीफ ब्लाइट आपका किसकी वजह से होता है? हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस की वजह से होता है। सिम्टम्स देख लेते हैं। द फंगस अफेक्ट्स द क्रॉप एट यंग स्टेज। स्मॉल येलोइश राउंड थ्रू ओवल स्पॉट्स आर सीन ऑन द लीव्स। की लीव्स के ऊपर आपको गोल से ओवल जो स्पॉट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। द स्पॉट्स ग्रेजुअली इंक्रीज इन एरिया इनटू बिगर एलिप्टिकल स्पॉट्स। कि उसके बाद में क्या होगा, ये स्पॉट्स एरिया में बिल्कुल ही बड़े बन जाएंगे।
दीज स्पॉट्स कोएलीज गिविंग ब्लाइटेड अपियरेंस। कोएलीज का क्या मतलब होता है कि ये स्पॉट्स क्या कर देते हैं, इकट्ठे हो जाएंगे और कैसी आपको दिखेगी, ऐसा दिखेगा जैसे कि वो जल गया है, ब्लाइटेड अपियरेंस वो आपको देगा। उसके बाद में है द सर्फेस इज कवर्ड विद ऑलिव ग्रीन वेलवेटी मास ऑफ कुनीडिया एंड कुनीडियोफोर्स। जो आपको मास दिखाई देगा वहां पे वो कौन सा होगा, कुनीडिया और कुनीडियोफोर्स होंगे वहां पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, अब ये क्या है, सीड बॉर्न फंगस है तो हम क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट्स करेंगे। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, तो सीड ट्रीटमेंट हम किसके साथ कर सकते हैं, कैप्टान के साथ में कर सकते हैं, थीरम के साथ में कर सकते हैं। स्प्रे हम इसके लिए मैंकोजेब का कर सकते हैं। अब है कॉमन स्मट ऑफ कॉर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइल स्मट भी बोलते हैं और ब्लिस्टर स्मट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो आपका कॉमन स्मट है, इसके लिए हिंदी में इसको हम क्या बोल देते हैं, जो आपका कॉमन स्मट है, आप मुझे बताएंगे फिर मैं आपको इसके बाद बताती हूं। जो कॉमन स्मट है उसको बॉइल स्मट बोलते हैं और ब्लिस्टर स्मट बोलते हैं। तो हिंदी में इसको कई बार मक्का का कंडवा भी बोल देते हैं। तो जो आपका कॉमन स्मट है उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका पैथोजन कौन है, पैथोजन है अस्टिलागो मेडिस की, अस्टिलागो की वजह से ये होता है। तो क्या होगा कॉमन स्मट में, आपको ट्यूमर लाइक गॉल्स देखने को मिलेंगे, इकट्ठा मांस आपको ट्यूमर की तरह देखने को मिलेगा और बाद में वो कैसा हो जाएगा, जो आपके टीलियोस्पोर्स हैं बिल्कुल काला पड़ जाएगा। तो शुरू में क्या होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा, है ना, फॉर्म होगा, सॉफ्ट सा होगा, बाद में ये बिल्कुल हार्ड सा हो जाएगा जब बिल्कुल काला पड़ जाएगा। तो जब ये फॉर्म होता है, जब ये सॉफ्ट होता है, तो इसको सेंट्रल मैक्सिका के लोग खाना प्रेफर करते हैं। तो इसको ये जो क्या है, ये एडिबल स्मट है, इसको खाया जाता है। तो जो कॉमन स्मट है ये क्या है, बेसिकली एडिबल स्मट है, यानी कि इसको खाया जा सकता है। तो ये जो एडिबल स्मट है इसको हम क्या बोल देते हैं, मेज मशरूम बोल देते हैं या फिर मैक्सिकन ट्रफल्स बोल देते हैं। तो खाएंगे तभी जब इसकी स्टेज कैसी होगी, फर्म होगी, है ना, अदरवाइज इसको हम नहीं खाते हैं। मतलब कि बाद की स्टेजेस में नहीं खाएंगे, जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा तब नहीं खाएंगे, जब बिल्कुल सॉफ्ट सा होगा, शुरू की स्टेज होगी, तो इसको हम खाते हैं। अब इसके जो सिम्टम्स है वो अबव ग्राउंड पार्ट्स में भी देखने को मिलेंगे, पर इसका जो इन्फेक्शन है वो लोकल होता है। मतलब कि ये जो स्मट है ये होस्ट के साथ में मूव नहीं करेगा, जो पैथोजन है पूरी बॉडी में, इसका जो इन्फेक्शन है वो कैसा रहेगा, लोकल इन्फेक्शन रहेगा। तो ये है आपका कॉमन स्मट ऑफ कॉर्न, जो क्या है, एडिबल है। फोटोज में आप देख सकते हैं कि ये है आपका मास ऑफ टीलियोस्पोर्स, ये गॉल्स बने हैं जिसमें जो आपके टीलियोस्पोर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं, है ना, सूटी मास है, काला सा दिख रहा है। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, उसके बाद में बड़ा हो रहा है, फर्म सी स्टेज आ रही है और लास्ट में आपके ये इस तरह से गॉल्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये क्या है आपका, कॉमन स्मट है या ब्लिस्टर स्मट है या फिर बॉइल स्मट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके लिए हम क्या यूज करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं व्हाइट बर्ड ऑफ मेज। तो ये जो आपका व्हाइट बर्ड ऑफ मेज है, ये आपको पता है कि किसकी डेफिशिएंसी से होता है, जो व्हाइट बर्ड ऑफ मेज है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये जो आपका व्हाइट बर्ड ऑफ मेज है इसको हम क्या बोल देते हैं, सफेद कलिका रोग, सफेद कलिका रोग। अब किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, जिंक की डेफिशिएंसी से हो रहा है। तो क्या होता है, जो एपिकल पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, जो लीव्स के साइड का पोर्शन भी है वो कैसा हो जाएगा, इसमें सफेद पड़ जाएगा। तो इसके लिए अगर ये जिंक की डेफिशिएंसी से हो रहा है तो हम यूज क्या करेंगे, जिंक सल्फेट को इसके लिए यूज करेंगे, सोइंग टाइम पे हम जिंक सल्फेट का यूज करेंगे ताकि उस डेफिशिएंसी को हटाया जा सके। तो ये है आपका सफेद कलिका रोग या फिर व्हाइट बर्ड ऑफ मेज। क्यों, क्योंकि जो जिंक है और जो आपका बोरोन है, जब आपकी बारिशें होती हैं तो वो कैसा होता है, जो आपकी मिट्टी है मिट्टी के साथ में बह जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम जिंक की एप्लीकेशन इसके लिए दे सकते हैं। जो आपकी सॉइल से वो डेफिशिएंट तभी हो जाती है जिंक में, इसीलिए हम जिंक सल्फेट को यूज कर सकते हैं जब भी ये आपकी
डिजीज आएगी या डेफिशिएंसी आएगी। तो आज हमने डिस्कस किया मेज की जितनी भी डिजीज थी। तो उससे पहले मैंने आपको शुरू में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो हमने स्टार्टिंग में डिजीज पढ़ी थी कि एक एपिडेमिक आया था जो यूएस में आया था 1969 से 1970 के टाइम में आया था, वो हमने डिस्कस किया, वो कौन सा था, किसकी वजह से था, आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो वो एपिडेमिक आया था वो किस वजह से आया था। आप मुझे थोड़ा सा बताइए, फिर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा मेज का जितने भी डिजीज है इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर ली। थोड़ा सा आप बताएंगे, आपके आंसर्स देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि क्या करेक्ट आंसर होगा। आपके आंसर्स देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगी। आपको हिंट दे देती हूं कि मैंने अभी बताया कि यूएस में एपिडेमिक आया था, है ना, जो सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट है। कई बच्चे लिख रहे हैं बंगाल फेमिन, कुछ लिखे हैं सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं दूंगी, इसका क्वेश्चन मैं आप इसका जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगी। तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉप को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जिसको इसके बारे में पता नहीं है उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या एपिडेमिक था और इसमें क्या हुआ था, है ना। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि जो आपका टेक्सास मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म है उससे ये रिलेटेड है, तो इसको आप एक बार पढ़ के आइए और उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करेंगे, उसके डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में आपसे डेफिनेटली ये वाली चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा एफर्ट करिए, थोड़ा सा पढ़ के आइए, उसके बाद में हम आपको बताएंगे।